अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग आए हुए हैं इलेक्ट्रिक बाइक की एक शोरूम के ऊपर। तो आइए चले आपको इसका विज़िट कराते हैं और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं इस बाइक में, आपको तमाम चीज़ें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है फवाद। अच्छा, और किस नाम से ये सेटअप है आपका? ये है मेट्रो के नाम से। अच्छा, मेट्रो ईवी यानी कि मेट्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि 100% इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ठीक है। और इसमें फुल चार्ज में ये आपको देती है 105 किलोमीटर, जो हमारा सेल्फ टेस्टेड है। 105 किलोमीटर फुल चार्ज में, और इसका चार्जिंग टाइम है 5 घंटे का। ठीक है जी। और इसमें ये बैटरी कौन सी लगी हुई? बैटरी इसमें ग्राफीन बैटरी है, जेल बैटरी। अच्छा, ठीक है। और नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि बर्निंग वगैरह का इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और बैटरी की जो इसकी लाइफ है वो है 1000 चार्जिंग साइकिल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1,00,000 किलोमीटर इजीली चला सकते हैं, यानी कि 2.5-3 साल आपकी बैटरी इजीली चलेगी इसमें। ठीक है। अच्छा, बैटरी ये इम्पोर्टेड है या लोकल है? सर, सारी जो इसके पार्ट्स है वो इम्पोर्टेड है। बेसिकली ये ग्लोबली नंबर वन ब्रांड है यादिया, ये उसका है। देखें यहाँ पर इसमें ये पेस्ट्री ओवर जी, ये यादिया, ये ग्लोबली नंबर वन ब्रांड है। 100+ कंट्रीज के अंदर ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ये मेट्रो के नाम से है, लेकिन बेसिकली ये यादिया का ही ब्रांड है। ठीक है, और इसके फीचर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ बेसिकली। अच्छा, थोड़ा मोटर के बारे में बताएं, इसकी मोटर कौन सी है? मोटर इसकी 600 वाट की मोटर है। ठीक है, ठीक है। और मोटर की हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं 1 साल की, एक साल और वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। ये क्या आपसे 1.5 फिट का अगर पानी हो तो उसमें इजीली चला सकते हैं, चला सकते हैं। बस को एहतियात ये करनी है कि जहाँ पानी ज़्यादा हुआ देर तक इसको आप खड़ा ना करें, क्योंकि एहतियात करनी है। कराची का आपको पता है हमारे रोड वगैरह कैसे हैं, चला सकते हैं रोड पे आप, चला सकते हैं, लेकिन आप इतनी एहतियात तो कर सकते हैं कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से बढ़ा के थोड़ा दूसरी जगह पर ले जाएं। तो मोटर वगैरह सेव है इसकी, मतलब मोटर? जैसे नॉर्मली हम बाहर पार्किंग में खड़ी करते हैं, जी, जी, पार्किंग में, जी जी, मतलब तो उस हवाले से मोटर कितनी सिक्योर है यानी के? इसकी तो देखिए आपको पता ही है सारे मामला था, कराची में आप रहते हैं, बिल्कुल। सिक्योरिटी वैसे कंपनी ने इसके 3 ऑप्शन दिए हैं सिक्योरिटी के, ठीक है। पहला तो है आप इसका जो ना फ्रंट का हैंडल लॉक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखे यहाँ से ये आपने की लगाएंगे इसको, ठीक है, ये आपने प्रेस करा, ये आपका फ्रंट का हैंडल लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन है वो है आपके इसके साथ, क्योंकि की भी मौजूद है और की के साथ ये रिमोट भी है, ठीक है। ये इसमें बटन दिया हुआ है लॉक का, ये आप प्रेस करेंगे ना, ये रियल का व्हील जो है ना, बैक का व्हील, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये फिर जो है ये देखा। और थर्ड इसकी सिक्योरिटी आपके पास ये है कि पहले मैं इसको भी, वरना शोर मचाता रहेगा ये, ठीक है। इसको अनलॉक कर दिया रियर व्हील को, या आपने प्रेस करा हल्का सा, इसको लेफ्ट मूव करा, ये आपकी जो स्टोरेज स्पेस है ये ओपन हो गई, ठीक है। तीसरी सिक्योरिटी ये है कि आप ब्रेकर ऑफ करते हैं इसका। अच्छा, अभी आपकी 100% गाड़ी जो है ना ऑफ हो चुकी है, बंद हो चुकी है, रिमोट से ओपन नहीं होगी अभी, ठीक है। ये ब्रेकर ऑन होगा तो फिर वर्किंग होगी इसका, अदरवाइज नहीं होगी। ये 3 सिक्योरिटी आपके पास दी हुई है इसके अंदर। ये स्पेस है इसके, इसमें आप चार्जर कैरी भी कर सकते हैं साथ, ठीक है। मैं आपको चार्जर भी दिखा दूंगा। और ये क्या है, ये मतलब मटेरियल? शीट, ये ABS मटेरियल है। अच्छा जी, ये जो है ना फिनिश मटेरियल होता है, इसमें डस्ट वगैरह बैठती नहीं है इसके अंदर, और जो सनलाइट है वो भी बहुत इफेक्ट नहीं करती इसके अंदर। मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं इसके, पायदारी के एतबार से कैसे हैं वो? ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि ग्लोबली नंबर वन ब्रांड है, दुनिया के अंदर चल रहा है, और इसकी ABS मटेरियल है, ठीक है। और मटेरियल की पायदारी भी अच्छी है, यानी कि सनलाइट वगैरह में इफेक्ट नहीं करते इसके कलर्स वगैरह को, और फिनिश मटेरियल है तो उसमें डस्ट वगैरह भी जो है ना यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल भी। जब आप कपड़ा प्रेस करेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगी इसीलिए। मतलब इसके जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक होती है जी, 70 वगैरह, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके फीचर और उसके फीचर? बाइक और स्कूटी में फर्क तो डिजाइन का है, ये बेसिकली स्कूटी, उसका बाइक नहीं कहेंगे, इसको स्कूटी कहेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर आप 70 पेट्रोल से कंपेयर करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिक से? इलेक्ट्रिक से। देखिए इलेक्ट्रिक वो बेसिकली उसमें माइलेज कम मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें हम 105 किलोमीटर का देना, उसके अंदर आपको 60-70 मिलेगा, ठीक है, ठीक है।
और बाकी हमारे पास वारंटी की ऑफिशियली लॉन्च है इसकी, मोटर की वारंटी है, बैटरी की वारंटी दे रहे हैं हम 1.5 साल की। 1.5 साल और बैटरी की है और मोटर की है? 1 साल मोटर की है, ठीक है, और 1.5 साल की वारंटी इसकी बैटरी की है, ठीक है। और इसके चार्जिंग जो रिसाइकल वो चार्जिंग साइकिल जो है इसके 1000 है, 1000, ठीक है। 1000 का मतलब है आप 100,000 किलोमीटर तक इसको इजीली चला सकते हैं, 100,000 किलोमीटर जी, जो बैटरी की इसकी लाइफ है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 45 इसकी टॉप स्पीड है। और इसमें दो गियर दिए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट कह दें आप उसको यहाँ पर, ठीक है। ये अभी 1 पर है, 1 पर अगर आप इसको एक्सीलेटर करेंगे तो देखें जी, ये एक तो साउंड देखें आप इसका, 0 साउंड है, साउंड ही नहीं है, 32 तक जा रही है, ठीक है, मैक्स स्पीड। अब इसको आप शिफ्ट 2 में कर देंगे, ठीक है, तो ये मैक्स जाएगी 45 तक, ठीक होगी, सही है। ये इसका डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दी, ये बैटरी के सेल्स हैं, ये इसका माइलेज है, ठीक है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया 105 किलोमीटर तक चलती है, लेकिन अगर आप 80-85 इसको चला लेते हैं तो फिर आप इसको फुल चार्ज कर लें। 45 लास्ट है इसकी जी, इसकी लास्ट इसकी 45 है, ठीक है, मैक्स स्पीड। और चार्जिंग कब कितने पे हमें चार्ज करना चार्जिंग चाहिए? आप 85 से 90 किलोमीटर आप चला लें इसको तो फिर चार्ज कर लें, ठीक है। यानी कि सेल सेल में आप नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी की पावर या सेल्स का अप डाउन हो रहा था, आपने माइलेज पे उसको फोकस करना है कि माइलेज कितना है आपका, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे देखें बैटरी के इसमें इसमें पता चल जाएगा कि इसकी जो है ना स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 45 है तो अगर बैटरी थोड़ी लो होगी तो इसकी बैटरी जो इसकी स्पीड होगा वो 30 हो जाएगी, ठीक है, 30-35 पर चलेगी, फिर ये 45 तक नहीं जाएगी, ठीक है। आपको फिर भी अंदाजा हो जाएगा कि आप इसको चार्ज कर सकते, चार्ज वगैरह का, चार्ज का ऑप्शन देखें इसमें यहाँ पर है, नॉर्मल चार्जिंग, ये सॉकेट है इसका चार्जिंग का, ठीक है। और मे बी चार्जर भी, चार्जर दिखाना, ये सॉकेट है इस पे, अच्छा, चार्जर की ये सॉकेट है, चार्जर यहाँ पर लगेगा आपका चार्जर। और ये दूसरा, ये इसका चार्जर है, ये देखें ये चार्जर इसमें यहाँ लगेगा, मैं जगह दिखा दी मैंने आपको, ये चार्जर है 10 एम्पीयर का, 10 एम्पीयर आउट करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, 5 घंटे लेता है फुली चार्ज में। ये नॉर्मल इसका पॉइंट है, ठीक है, 2 पिन सॉकेट है, ये रहा 2 पिन सॉकेट है, नॉर्मली आप घर में इसको चार्ज कर सकते, कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल इसके अंदर नहीं है कि आपने कोई जगह बनानी है, नॉर्मल सॉकेट पर लग जाएगा, चार्ज हो जाएगा 10 एम्पीयर का इसका ये। और वैसे बैटरी चार्ज कितने देर में हो जाती है? 5 घंटे लेती है, यानी कि फुल चार्ज लेके डिपेंड है कि कितनी लो है बैटरी, 3 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% चार्ज हो जाती है। अच्छा जी, तो 5 घंटे आपने इसको चार्ज करना है फुली चार्ज, ठीक है, और 105 किलोमीटर देगी फिर आपको बैकअप। और बैटरी वगैरह इन केस अगर खराब हो जाती है, पार्ट्स वगैरह खराब हो जाती है, 100% पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये भी हैं, बैटरी भी है, मोटर भी, हर चीज़ मिलेगी आपको हमारे पास से, क्योंकि ये सिर्फ सेल सेंटर नहीं है, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा। और पार्ट्स भी, मतलब पार्ट्स भी आपके पास ही हमारे पास से मिलेंगे, आपको सर्विस ही हमारे पास से मिलेगी, ठीक है जी। और मार्केट से कितनी, मार्केट में अभी ये जो बेसिकली यादिया ब्रांड है, यानी कि मेट्रो T9 स्कूटी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारे ऑफिशियली जो आउटलेट्स हैं, इन फ्यूचर अवेलेबल होगी। देखिए हमारे जो ऑफिशियली आउटलेट्स हैं कराची में, लाहौर में, और एक डीलर है जो रावलपिंडी में, और अभी यानी कि 3 महीने हुए हैं इसको लॉन्च हुए हैं, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी जो और जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा इसका। अच्छा, और ये बताएं कि इसमें जो टायर ट्यूब वगैरह, ये ट्यूबलेस है या नॉर्मल है? ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर है, ठीक हो गया। और मेंटेनेंस वगैरह? जीरो मेंटेनेंस है। और इसके, अच्छा ये बताएं, जैसे हम रोड पे लेके निकलते हैं बाइक, तो इसके कागजात वगैरह होते हैं क्या होते हैं? ये बेसिकली जो है ना 50 बिलो इसकी स्पीड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की हुई, यानी कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की हुई, मतलब एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और अगर आप बाय करेंगे इसको तो आपको बकायदा इसको चेसिस नंबर का एक कंपनी का लेटर होता है जो दूसरी बाइक के साथ भी मिलता है, वो मिलेगा आपको। इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है रजिस्ट्रेशन इसकी तो आप करवा सकते हैं। बाकी चेसिस नंबर इसका यहाँ मेंशन होता है, ये आप इसको यहाँ पर इसको नज़र नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे ना, तो इसका जो फ्रेम है जी जी फ्रंट स्टैंड उसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है सारा पूरा ये चेसिस नंबर इसका, ठीक है। बाकी ये इसका साइज स्टैंड है, इस पर सेंसर भी दिया हुआ है,
बाद दफा ऐसा होता है आप बाइक चला रहे होते हैं और पीछे से बंदा आवाज लगाता है, भाईजान स्टैंड तो ऊपर कर लो। सही, ठीक है। इसमें देखें अभी स्टैंड लगा हुआ है इसका, चलेगी नहीं है। ये देखें एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये वर्किंग में नहीं है। अब अभी मैं इसका स्टैंड ऊपर करूंगा, वर्किंग में आ जाएगी पूरा। ठीक, ये आ गई जी भाई, ये आ गई वर्किंग। ठीक है, तो आप स्टैंड ऊपर करना भूलेंगे नहीं इसका। ठीक ठीक है ये, और आप इसको चाहे तो अपना रिमोट कंट्रोल से भी जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पावर का ऑप्शन है, दो दफ़ा प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक ठीक है, ये स्टार्ट हो गई, रिमोट से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और इसकी एलईडी लाइट्स भी है, इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एलईडी लाइट्स ओपन करके, ये रही इसकी एलईडी लाइट्स। ठीक है ठीक है, ये इसकी एलईडी लाइट्स हैं। और इसकी एलईडी लाइट्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप बाइक चलाते हैं ना, आपको जो खड्डे वगैरह आते हैं आगे, उसका आपको डिस्टेंस नहीं होता कि कितने ज़्यादा गहरे हैं जी। इस तरह ये कार की नहीं होती, पता चल जाता है आपको कितना गहरा खड्डा है। इसी तरह इसमें आपको अंदाजा हो जाता है इसकी जी एलईडी लाइट्स नीचे होने की वजह से। और इसके एंटीगेटर वगैरह, एंटीगेटर ये रहे इसके, ये लेफ्ट, ठीक है, और ये आपका राइट, ये राइट हो गया। और बैक लाइट वगैरह भी है, बैक लाइट में आपको दिखा देता हूँ उसकी, ये पीछे देख लीजिए आप, ये इसकी बैक लाइट है। ठीक है, ये प्रेस करेंगे आप ब्रेक तो ये शार्प हो जाएगी। एंटीगेटर भी है इसके, वो भी आपको चेक करा देता हूँ। देखें ये राइट लेफ्ट साइड का हो गया, ये रहा, और ये राइट साइड का हो गया। ठीक है, और इसका अपना पर्सनल वेट जो है स्कूटी का 117 केजी है, और 170 केजी का वेट सपोर्टेड है, दो बंदे इजीली चला सकते हैं। दो बंदे यानी कि लोड ले सकते, बिल्कुल। और कोई अगर हेल्दी हो, हेल्दी हो, मैं अपनी बताऊं तो मैंने एक पता अंकल थे माशाल्लाह से, उनका 110 केजी था। अच्छा। और मेरा मेरा से 65 केजी तो होगा शायद, अब अंदाजा लगा सकते हैं, तो 175 हो गया। मैंने चला उनको बिठा के, दो बंदे मजे से इजीली बैठ सकते हैं। अच्छा ये बताएं, और कंफर्टेबल के अखबार से कैसी है? बहुत कंफर्टेबल है, मैं अभी आपको राइड भी देता हूँ, बार आप चेक कीजिए खुद, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें फुटरेस्ट, देखें कितना जबरदस्त एडजस्टेबल दिया हुआ है, ये का फुटरेस्ट है। ठीक, जबरदस्त, ये राइट साइड का, ये सब एल्युमिनियम है जी फुटरेस्ट। और कुछ रह गया है फीचर्स? बाकी ये डबल स्टैंड है इसमें, ठीक है, जो इस पर खड़ी हुई है, इस पर साइड स्टैंड है, जस्ट ये इसके फीचर्स हैं। ये मैन स्टैंड है किसका, और इसमें चैन वगैरह का तो सिस्टम, चैन सिस्टम नहीं है क्योंकि इसकी मोटर इसमें व्हील में एडजस्ट हुई है। अच्छा, मोटर ये व्हील में ही एडजस्ट है, यानी पीछे व्हील में ही इसकी मोटर है, तो ना मेंटेनेंस तो जीरो है इसकी आपकी। सही, जो इसकी आप ये जंप देखना है, ये 1 मिलियन टाइम जो है ना इसकी वाइब्रेशन टेस्टेड है इसकी बॉडी की। अच्छा जी, तो आप खड्डों वगैरह इजीली बेफिक्र होकर चला सकते हैं इसको। जंप जरा चेक कराएंगे, बिल्कुल मूवमेंट इसकी स्टैंड से उतारा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इसकी जंप है, 1 मिलियन टाइम टेस्टेड है इसकी वाइब्रेशन, ये वाली जंप की। और फ्रंट ब्रेक का बटन चेक करा, फ्रंट की है, जब उसमें आएगी तो चेक होगा। वन टू वाले जम है जी, 1-5 वाले जम, बहुत ज़बरदस्त जम है, यानी कि आप इसको जब यूज़ करेंगे ना, मैं आपको देता हूँ राइट, आप यूज़ करें, आपको अंदाजा होगा। एक तो स्टार्ट होगी, पता नहीं चलता स्टार्ट हुई है, बिल्कुल जैसे आपने ऑन करनी है स्टार्ट। अच्छा, साउंड है ही नहीं इसका। यहाँ पे पाकिस्तान में कब लॉन्च हुआ, और कराची में आपका ये बेसिकली हमारा फरवरी में ओपन हुआ है शोरूम ऑफिशियली, और ये लॉन्च हुई थी जनवरी में। ठीक है, जनवरी में लॉन्च हुई थी ना, जनवरी से लॉन्च हुई है। और रिस्पांस वगैरह कैसा है? रिस्पांस देखें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस हम स्कूटी सेल आउट कर चुके हैं विद इन 2.5 मंथ, और हमने कॉल्स भी किए हमने कस्टमर को फीडबैक लेने के लिए, तो कस्टमर 100% सेटिस्फाई है, क्योंकि जो फीचर्स मैंने आपको डिफाइन किए हैं 100% इसको जो है ना आपकी वर्किंग मिलेगी। ठीक, अच्छा कुछ आजाद हैं अगर जो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ सवाल होते हैं कि यार कैसी है क्या है, तो आप फ्री यानी कि राइड बार टेस्टिंग है? हम यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट राइड है,
हम टेस्ट राइड देते हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं उसको। और हमारा जो ये शोरूम है ये मेन शहरा फैसल पर है, आशा भवानी के बिल्कुल अपोजिट, मेट्रो के ई व्हीकल के नाम से। और टाइमिंग क्या है कर सकते हैं, हमारी टाइमिंग है 11 बजे से 10 बजे तक की, ठीक है। और 7 डेज ओपन है, और संडे भी ओपन है, संडे भी ओपन है, आज आप संडे को ही आए यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसके प्राइस आपने नहीं बताया, प्राइस इसके हैं आज जो कि तारीख है 30/4/2023, क्योंकि आपको पता है, बिल्कुल सही बात है सिचुएशन सारी, तो अभी इसके प्राइस है 2,45,000 रुपये। अच्छा, 2,45,000 जी।